सबसे पहले ये बताइए, बिना मौसम के आम का स्लाइस आपको खाना कैसा लगेगा? भाई मुझे तो आम बहुत पसंद है, और बिना मौसम में जब आम मिल जाता है तो बस बात ही कुछ और होती है। अब ये आम के स्लाइस या आम के स्टिक मैंने बनाए कैसे वो देखिए, बहुत ही अमेजिंग है। इसको मुंह में रखते ही बस मजा आने वाला है, और अभी इसकी कद्र नहीं होगी, जब ये आम चला जाएगा तब आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसमें जो जो मैंने आपको ट्रिक्स दिए उन ट्रिक्स को जरूर फॉलो कीजिए। तो चलिए इन स्टिक को कैसे बनाया है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो ट्रिक है वो ये आम को लेकर, तो हमें आम चाहिए कौन सा? आम हमें ऐसा चाहिए जिसमें से हमें पानी ना निकले, मतलब उसका जूस जो है वो टपकता है ना आम का जब हम काटते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको चेक करके दिखा रही हूँ, मतलब आम पीला भी है मीठा भी है लेकिन उसके अंदर से कोई भी जूस नहीं टपक रहा है, ये खास बात है। तो ये चेक कर लीजिए, उसके बाद आप आम के स्लाइस बनाना शुरू कीजिए। तो अब हम सारे आम को छील लेते हैं। यही एक आम होता है जो कि हम छीलें या काटें कभी भी इसका पानी नहीं टपकता है, तो इस टाइप का आम आप चूज कर लीजिए। 4 से 5 मैंने आम ले लिए हैं, करीब करीब 1.5 किलो हैं। अब हम इन्हें काटना शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं मैं जब भी इन्हें काट रही हूँ, इनके स्लाइस कर रही हूँ, तो टप 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 जूस इसका बिल्कुल भी नहीं निकल रहा, ये खास बात है, लेकिन खाने में वो मीठा भी है। अभी हाल ही में मेरा बेटा गया था वियतनाम, वहाँ से सन ड्राई वाले आम के स्लाइस लाया था। उसे खाकर सभी हम लोग बहुत खुश हुए। मुझे लग रहा था कि इस साल आम आए तो मैं इसे बिना मशीन कैसे ट्राई करूँ। बहुत सारी मेहनत करी, कई बार बनाए कई बार बिगाड़े, उसके बाद जाके मुझे ये रिजल्ट मिला है। अब आपको तो पता ही है, अगर मुझे रिजल्ट परफेक्ट मिलता है तो वो रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। तो इसे आप ज़रूर बनाइए, बिना मशीन के बनाइए, बिना किसी चीज़ डाले आप बना सकते। और हाँ, इसे आप 12 महीने तक रख सकते हैं, मतलब नेक्स्ट ईयर तक, जब तक दूसरे आम आए। एक और बात, यहाँ तो मैंने आम लिए हैं जो ड्राई तोतापुरी आम होते हैं। अगर आपको ऐसे आम नहीं मिलते, आपके यहाँ कोई दूसरे नाम से आम मिलते हैं जो कि थोड़े ड्राई हैं, मतलब उसका जूस बहुत ज्यादा नहीं टपकता, तो उस आम से भी आप ये स्लाइस बना सकते हो। सारे जो मोटे वाले पार्ट होते हैं उनके हम स्लाइस कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा पतली भी स्लाइस नहीं करनी है क्योंकि ड्राई होने के बाद वो वैसे ही श्रिंक हो जाती हैं, तो हमें मीडियम रखनी है, बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं रखनी है कि हम सुखाई ना पाएं। उसके बाद जो ये गुठलियाँ हैं ना, इन्हें भी हमें बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। तो मैं तो आपसे यही कहूँगी कि अगर आपके यहाँ ऐसा है कि आम तो खा लेते हैं गुठलियों को यूज़ नहीं करते हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ गुठलियों के साइड कट करके सुखा सकते हैं इन पीसेस को। तो इस तरीके से सारे आम को स्लाइस कर दिए हैं, कोई भी एक भी टुकड़ा आम का वेस्ट नहीं हुआ है। अब हम क्या करेंगे, करीब करीब 1 से 1.5 लीटर पानी लेंगे, एक बड़े बर्तन में इसे उबलने के लिए छोड़ देते हैं। इसमें कुछ नहीं डालना है, कोई साइट्रिक नहीं, कोई नींबू नहीं, बस सिर्फ पानी उबलना चाहिए। जैसे ही पानी उबले आप सारी स्लाइस आम की इसी में डाल दीजिए। अब बारी आती है इसे हमें उबालना कितना है। उबालना हमें सिर्फ और सिर्फ इसको 2 से 3 मिनट है, हाँ जी सिर्फ 2 से 3 मिनट हमें उबालना है, इसका यही प्रोसेस करना है, इससे ज़्यादा हमें नहीं उबालना है। अब आप इस आम को पानी से निकाल दीजिए और पानी को ढक के अलग रख दीजिए। अब आपको लगेगा इस पानी का क्या होगा, वो मैं बाद में बताऊंगी। अब हम सबसे पहले इसको, मैंने आम को निकाल दिया है, अभी आम में काफ़ी सारा धुआं निकल रहा है, 2-4 मिनट आपको रुकना है। 5 मिनट रुकने के बाद आप डाल दीजिए इसमें 1 कटोरी चीनी, मतलब करीब करीब 200 से 250 ग्राम आप चीनी डालिए। अब आपको लगेगा ये बहुत ज़्यादा मीठा तो नहीं होगा, बिल्कुल मीठा नहीं होगा, जितना उसने चीनी चाहिए बस उतनी ही लेगा, बाकी की चीनी आपको वापस देगा। अब आपको ये अजीब लग रहा होगा कि वापस कैसे आम देगा ना चीनी, ये सब चीज़ें आप बाद में देखेंगे। बस आप इसमें चीनी डालिए और हल्का सा चलाएँ तो चलाएँ, नहीं तो फिर इसे कवर करके बस रख दीजिए। अब कम से कम इसे 4 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। 4 घंटे बाद मैं आपको बताती हूँ कि अब हमें क्या करना है। 4 घंटे हो चुके हैं, अब आप देखेंगे कि पूरा जो चीनी थी ना वो इस आम के साथ मिलजुल के पूरी सिरप में बदल गई है। ये आम भी काफ़ी अच्छा सा सॉफ्ट और मीठा हो गया है, लेकिन आप देख रहे हैं कि इसके बिल्कुल भी कचूंबर टाइप बिल्कुल नहीं निकला है। कैसा हमने आम लिया है, कितना उबाला है, ये खास बातें।
अब आप एक छन्नी पर या जाली पर इस आम को निकाल लीजिए। जो एक्स्ट्रा पानी था वो निकल चुका है। यहाँ पर एक बटर पेपर लीजिए या कोई सूती कपड़ा ले लीजिए, उस पर आप आम के स्लाइस को रखते जाइए। सिर्फ और सिर्फ बिना धूप के, सिर्फ फैन के नीचे आपके एक दिन में ये आम के स्लाइस बनकर तैयार हो जाएंगे। 3 से 4 दिन आपको लगने नहीं है, कुछ नहीं करना है, धूप में जाना नहीं है, बस इन्हीं स्लाइस को इतनी दूरी पर आप रखते चले जाइए। कोई कलर नहीं डालना है, कोई एसेंस नहीं डालना है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डालना है, यहाँ तक कि कोई नींबू, कोई साइट्रिक कुछ भी नहीं डालना है। सिर्फ आम और चीनी है, वो भी आम और चीनी कितनी है मैंने आपको बता ही दिया है, क्योंकि चीनी हमारा पूरी चीनी हमारे पास वापस बची है, उस चीनी का भी हम यूज़ करेंगे और जो पानी में हमने उबाला था उसका भी हम यूज़ करने वाले हैं। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम ये बताएंगे कि ये जो वेस्ट हुआ है शुगर और पानी, उसका हम यूज़ कैसे करें। यहाँ पर वही पानी है जिस पानी को हमने यूज़ किया था आम को बॉयल किया था। अब ये वही सिरप है जो हमने मीठा करने के लिए रखा था। दोनों को मिला लीजिए, एक साथ मिला लीजिए और इसे वापस गैस पर चढ़ा दीजिए। अब इसमें आना चाहिए हमारा एक उबाला। एक उबाला इसलिए, चीनी जो है चीनी को हमने पकाया नहीं था, इसलिए इसमें एक उबाला साथ में आ जाए। और कोई आपको चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये खट्टा मीठा इतना बढ़िया सिरप बनकर तैयार हुआ है। अब ये खट्टा मीठा आम का फ्लेवर भी है इसके अंदर, तो हमें आम का ही इमल्शन डालना होगा। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है एक छोटा सा चम्मच आम का इमल्शन। इमल्शन का मतलब होता है उसमें कलर भी है आम का और एसेंस भी है। बस ये मिक्स करके ठंडा कीजिए। ठंडा करने के बाद एक बॉटल भर के रख लीजिए। अब आपका मन करे आप इसे दूध में इंजॉय कर सकते हैं, आपका मन करे आप इसे पानी में इंजॉय कीजिए। एक ग्लास लीजिए, अब इसमें डाल दीजिए आइस। अब आप इस ग्लास में इस शरबत को डालिए। अब शरबत कितना मीठा है या आपको कितना मीठा चाहिए डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने इसमें आइस भी डाल दिया ना, तो मैंने इसमें शरबत की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा डाली है। अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, बस पुदीने से इसको मैंने सजा दिया है। बहुत ही अमेजिंग, आप किसी गेस्ट को पिलाएंगे ना ये शरबत, कोई नहीं कहेगा कि आपने बची हुई चीज़ों से आपने ये शरबत बना के रखा है। बहुत ही अमेजिंग लगेगा, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगेगा। तो आपका एक कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ। तो इस तरीके से हम अब चलते हैं उस आम की स्लाइस को देखने जो कि हमने सूखने के लिए रख दी थी। यहाँ मैंने आपको दिखाई है नेक्स्ट डे, ये बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो चुकी हैं, मतलब एकदम से कड़क नहीं हो गई हैं, लेकिन ऐसी हो गई हैं कि हमारे हाथों में चिपक नहीं रही हैं। बिल्कुल हल्का सा मॉइस्चर है, बस इतना ही हमें चाहिए। आप चाहें तो और ज़्यादा ड्राई करें, पर ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये आम बहुत ज़्यादा रसीला नहीं था, टप टप पानी वाला नहीं था, इसमें जूस ऐसे नहीं हो रहा था, तो इसके लिए ये इतना सूखे बस काफ़ी है। लगी ये आम की रेसिपी आपको कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ हर घर में इस टाइप की स्लाइस बननी चाहिए। यहाँ पे हमें लेना है या तो पिसी हुई चीनी या कास्टर शुगर। कास्टर शुगर लेंगे तो हल्का सा दाना इस तरीके से दिखता है कास्टर शुगर में। आप पिसी चीनी से भी काम चला सकते हैं, वैसे मैंने यहाँ पर कास्टर शुगर लिया। उसको बस हल्का सा रैप कर दीजिए और इस तरीके से वो रख दीजिए। अब आपका ये आम साल भर खराब नहीं होगा। देखा ना आपने, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं, कोई कलर नहीं, कोई एसेंस नहीं। बहुत ही अमेजिंग है, जितनी मैं तारीफ कर रही हूँ वो बहुत कम है, यूं समझ लीजिए बस। अगर आपको भी मेरी तरह आम खाना हर सीजन में बहुत पसंद है तो आप इसे बनाए बिना नहीं रह पाओगे, ये मेरी गारंटी है। अक्सर हम आम पापड़ तो कई बार बनाते हैं, आम के मुरब्बे, आम की चटनी, सब कुछ बनाते रहते हैं, आम की बहुत सारी डिशेस बनाते हैं, लेकिन ये स्लाइस आपने नहीं बनाई होगी, ये मुझे ज़रूर पता है। तो आप इस स्लाइस को ज़रूर बनाइए और मुझे ज़रूर बताइए कैसी लगी ये रेसिपी। तो देखा ना आपने, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं हुई, उसका पानी भी यूज़ हो गया, शुगर भी यूज़ हो गई और वो हमारा शरबत बन गया और ये आम के स्लाइस बनकर तैयार हो गए, बिना मशीन के, बिना किसी टेंशन के। तो इसे कब बना रहे हो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।